वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन के अंदर मैं आपसे NVS, TGT और PGT दोनों में पूछे गए क्वेश्चन का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। हाल ही में हुए अभी NVS, PGT और TGT इंटरव्यू में दोनों में ही मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेट पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री, साइड्स आर ABC, तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड है वो हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मींस दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देन उन्होंने जस्ट राइज किया, कैन यू प्रूव इट, तो पूरा प्रूफ नहीं करवाया उन्होंने, जस्ट 3 स्टेप्स मैंने यहां इस स्टेप तक का लिखा और उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप कर दिया मेरे सामने। तो मैं इसका कंप्लीट प्रूफ बता रहा हूं आपको। ये सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल लिया ABC, जो कि राइट एंगल है कहां पर, एंगल बी पर। इस बी पॉइंट से AC पर BD परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। देन अपने को प्रूफ करना है राइट एंगल AB के जस्ट सामने हाइपोटेनियस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ADB एंड वर्सेस ABC ट्राइंगल लिए, ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर है। किस क्राइटेरिया से सिमिलर हो रहे हैं, बाय डबल ए क्राइटेरिया सिमिलरिटी से। डबल ए कैसे, ABD का एंगल A और ABC का एंगल A दोनों में ही कॉमन है, ADB में एंगल D राइट एंगल है और ABC के अंदर एंगल B राइट एंगल है। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो सेम रहेगा, मींस दैट ADB का AD बाय AB और ट्राइंगल ABC का AB बाय AC क्या होगा, इक्वल AB इंटू AB, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। सेम प्रोसेस हमने BDC वर्सेस ट्राइंगल ABC के अलोंग अप्लाई किया तो मिलता है ट्राइंगल CDB इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBA, और इसी BPT थ्योरम के यूज से BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू DC। इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में दोनों में ही AC क्या है कॉमन, तो AC कॉमन ले लिया, AD प्लस DC, दिस AD प्लस DC इज इक्वल टू कंप्लीट AC, AC इंटू AC इज इक्वल टू AC स्क्वायर, दैट कंप्लीट्स आवर रूट। नेक्स्ट उसको एक अनदर वे से, अनदर मेथड से भी आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया AB एंड जो राइट एंगल है ये और इसके जस्ट अपोजिट जो हाइपोटेनियस है सी, इन्हीं राइट एंगल्स टाइप के टोटल 4 ट्राइंगल्स लिए। इन 4 ट्राइंगल्स को जब अपन ने इस वे से अरेंज किया तो 1, 2, 3, 4 इस वे से अरेंज होने पर यहां पर जो स्क्वायर बन रहा है कंप्लीट बार बड़ा वाला, इसकी जो साइड है साइड ऑफ स्क्वायर है ए प्लस बी। यहां पर जो इनर में भी एक स्क्वायर बन रहा है जिसकी साइड की वैल्यू है सी। नाउ कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कंप्लीट बाहर स्क्वायर का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ द पोर्शन नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एरिया ऑफ 5। एरिया ऑफ 1, 2, 3, 4 चारों सेम है, कितना होगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, मींस दैट हाफ ऑफ AB। ऐसे 4 एरिया है इसलिए 4 इंटू हाफ ऑफ AB प्लस नंबर 5th का एरिया हुआ स्क्वायर है इसलिए इसका एरिया हुआ साइड स्क्वायर और इसकी साइड है सी, मींस दैट सी स्क्वायर। जो बार का कंप्लीट एरिया है स्क्वायर है उसका एरिया साइड स्क्वायर और जो बार कंप्लीट साइड आ रही है उसकी वैल्यू ए प्लस बी, मींस दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी से इसको ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, 2 की टेबल 2 टाइम कट, 2AB प्लस सी स्क्वायर, बोथ साइड से 2AB कट होने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर मिलता है। अगेन वो पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करता है। दोनों में से जो मेथड भी अच्छा लगे आप उससे उसका आंसर पुटअप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट डू यू नो अबाउट बोधायन थ्योरम। देन बोधायन थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम दोनों सेम ही है, बस नाम का जो है डिफरेंस है। देन एक और क्वेश्चन है जो मेरे से नहीं किसी अनदर से पूछा हुआ है, डू यू नो अबाउट थैलेस थ्योरम।
थैलेसियम के अबाउट का उन्होंने पूछा, तो आंसर है इसका थैलेसियम इज अ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ऑफ द सिमिलरिटी। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट्स द टू अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ये ट्राइंगल रहा, इसमें बीसी के पैरेलल एक अनदर लाइन ड्रॉ की जो कि अदर टू साइड्स को पॉइंट डी और पॉइंट ई पर कट करती है, देन क्या होगा, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो बीपीटी जिसका अपन ने लास्ट में प्रूफ भी यूज किया है, तो इनका रेशियो ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई बी सी। दिस इज द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ऑल्सो नोन एज थैलेस थ्योरम। फ्रेंड्स अगर आप इस एनवीएस टीजीटी पीजीटी केवीएस टीजीटी या पीजीटी इंटरव्यू के अंदर कभी अप्लाई हो रखे हैं और आपसे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे, प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर उन क्वेश्चंस को लिखें ताकि और इस टाइप के हेल्पफुल वीडियोस बनाए जा सकें। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।